Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जानकर मैदान में आई और इमरान खान के किरदार और सियासत पर खुलकर तनकीद की, जिसके बाद फवाद चौधरी ने भी जवाबी वार में खूब कहा कि जो हाथ जंग के बाद उठे वो मुक्का अपने मुंह पर ही मार लेना चाहिए। दूसरी जानिब इमरान खान का गजब भी इलेक्शन कमीशन को लेकर बढ़ता चला जा रहा है और कल के फैसले के बाद तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा इदारा बन चुका है जो मखसूस जमात के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। वाज़ह रहे कि कल इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश भी होना है और उनकी पेशी को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो पूरी दास्तान थी हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। और अब कुछ बात करते हैं सिफारती ताल्लुकात के हवाले से। मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। मेरे मुल्क में बहुत ज़्यादा अमन था, हमारे लोग, हमारा मुआशरा बहुत ज़्यादा सुकून का मुआशरा था। इसके अमन को ख़राब किया गया, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने BBC के इंटरव्यू में दबंग बातचीत की है और ऐसे वक्त में बातचीत की है जब रेक्स टिलरसन पाकिस्तान आए और उन्होंने अपने स्पेसिफिक डिमांड्स पाकिस्तान के सामने रखी। इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान और अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात की, तो ये पूरी दुनिया का महवर बने हुए हैं। पूरी दुनिया की नज़रें पाक अमेरिका ताल्लुकात पर जमी हुई हैं, और क्यों ना जमी हो, क्योंकि पाकिस्तान एक अहम खत्ता है। पाकिस्तान एक ऐसा खत्ता है जिसके बगैर अफगानिस्तान हो या भारत हो या फिर काबुल, इन सरजमीन पर अमन मुमकिन नहीं है। लेकिन बात करेंगे और दाद भी देंगे ख्वाजा आसिफ की कि किस तरीके से उन्होंने दबंग अंदाज में अब वाज़ मौक़िफ़ अपनाया है कि डू मोर की पॉलिसी जो है वो अब कहीं ख़त्म हो गई। अब हम बात करेंगे तो बराबरी की बुनियाद पर बात करेंगे। अब अगर हमें कुछ चाहिए तो सिर्फ इज्जत चाहिए, रिगार्ड चाहिए और अपनी तमाम तर कुर्बानियों के बारे में यह एतराफ़ चाहिए कि अमेरिका हमारी तमाम तर कुर्बानियों को सराहे। हमें नहीं चाहिए कि वो हमें फंड्स दें, हमें हथियार नहीं चाहिए, अब हमें बराबरी की बुनियाद पर अमन चाहिए और बराबरी की बुनियाद पर ये सारे ताल्लुकात आगे बढ़ाना है। रेक्स टिलरसन के हवाले से अगर बात की जाए तो रेक्स टिलरसन जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी के साथ में पाकिस्तानी आला हुकाम के साथ मुलाकातें कर रहे थे, वहीं अगर बात की जाए तो साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से उनको काफ़ी ज़्यादा तशवीश है। यानी कि ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने ये कह दिया कि अमन आगे बढ़ेगा, डायलॉग आगे बढ़ेंगे, मुज़ाकरात होंगे, लेकिन उनको एक मुस्तहकम पाकिस्तान भी चाहिए। तो बात तो यह है कि मुस्तहकम पाकिस्तान था हमारे मुल्क में जब पनामा पेपर्स के केसेस नहीं थे, तब भी हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि पाक अमरीका ताल्लुकात में आगे क्या होना जा रहा है। अभी नज़र डालते हैं हमारे आज के शो की टॉप स्टोरीज पर। We do not have safe havens. They must do some self accountability also. Why they have lost 45% of territory, Afghan territory in last 10-12 years? पाकिस्तान डूमोर के किसी मुतालबे पर अमल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने अमरीका को साफ बता दिया, अमरीका अपने गिरेबान में झांके, इसने अफगानिस्तान में क्या कारनामे सर अंजाम दिए, महफूज ठिकानों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये बातें धमकी की जबान से नहीं सुलह की जबान से तय होंगी। ख्वाजा आसिफ का वॉशिंगटन को वाज़े पैगाम। इमरान खान को कानूनी महाज पर पहली शिकस्त हुई है। आयशा गुलालई PTI में ना रहे लेकिन कौमी असेंबली में रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने पहली दरख्वास्त खारिज की, दूसरी में भी फैसला PTI के हक में आता नजर नहीं आ रहा। आसिफ जरदारी तैयार हो जाओ। इसके वालिद के पास 150 एकड़ जमीन थी, आज 1,00,000 एकड़ जमीन का मालिक है, 19 शुगर मिल। आसिफ जरदारी अब है तुम्हारी बारी। कप्तान के सिंध की पिच पर पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार, बड़े डाकू असेंबलियों में और गरीब 6 माह की सजा पर 6 साल कैद काटता है। नया निजाम अदल लाएंगे, इमरान खान का ऐलान, कहा सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। तमाम स्टोरीज पर आगे चलकर बात होगी, लेकिन अभी जान लेते हैं कि आज अखबार की जो शह सुर्खियाँ हैं वो क्या कह रही है। जी
जनाब, एक्सप्रेस रोजनामा इस वक्त मेरे पास है और अखबार में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि पूरी पूरी कहानियां मेंशन है। कल ढेर सारी खबरें, ढेर सारी एक्टिविटीज हुई जिनको आज अखबारों में डाला गया है और कुछ डूम और के मुतालबे के साथ अमरीकी वजीर खारजा जो कि पाकिस्तान आए थे, उसके बाद हमने देखा कि बहुत से सवाल पैदा हुए इस चार घंटे की मुलाकात में। पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तान का बड़ा ही मुख्तसर सा दौरा करके गए रेक्स टिलरसन और उसके बाद वो भारत भी रवाना हो चुके हैं जहाँ पर वो नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, सुषमा स्वराज से भी मुलाकात करेंगे और अपनी मुलाकातों के अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इस खत्ते के हवाले से जो फैसले हैं उनको वाजह करना है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब वहाँ पर अफगान सदर मौजूद हैं, जब वहाँ पर रेक्स टिलरसन मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और बात खत्ते के हवाले से होने जा रही है तो पाकिस्तान इस मुज़ाकरात में क्यों मौजूद नहीं है, इस टेबल पर क्यों मौजूद नहीं है। और फिर हमने देखा कि जहाँ पर वो एक तरफ पाकिस्तान का दौरा चार घंटे का करके गए हैं, वहाँ पर नई दिल्ली में उनका स्टे 3 दिनों का है, तो झुकाव किस तरफ है ये बात तो बड़ा वाजह है, ये तो बात सामने दिखाई दे रही है। और इस तमाम सूरत हाल के बाद हमने देखा कि हमारे जो वजीर खारजा हैं उनकी जानिब से बड़े ही दबंग अंदाज में, बड़े ही वाज अल्फाज में ये बात कह दी गई है कि पाकिस्तान की तरफ से डूमोर का जवाब सिर्फ नो मोर ही होगा और हमने जो अपनी कोशिशें की हैं वो तमाम दुनिया जानती है और आप लोगों का जो किरदार रहा है अफगानिस्तान में तो आप लोग अपने कारनामों पर थोड़ी ज़्यादा नज़र डालें नस्बतन ये कि हमें डूमोर का मुतालबा किया जाए। तो इस तरह के बयान उनके कुछ इंटरव्यू में भी सामने आए और कुछ हमारे निजी टीवी चैनल से जब वो बात कर रहे थे, जब वो गुफ्त शनीद कर रहे थे तो वहाँ पर भी उन्होंने बड़े ही वाज अल्फाज में बताया है कि हमने पाकिस्तान का मौकिफ बहुत खुलकर पेश किया है। चलें जी, रेक्स टिलरसन के हवाले से मैंने भी बड़ी डिटेल में बात की है, अनम ने भी खबर पढ़ी है, एक्सप्रेस की, अब कुछ बात कर लेते हैं हल्का तहलका ट्रांसमिशन की जो कि आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जारी है और कल देखना है कि फाइनल मार्का होगा और कल किस तरीके से ये मार्का जो है लाइनअप होगा। अब इस ओवरऑल इलेक्शन की जो निगरानी है वो पाक फौज कर रही है और 3 लाख से ज्यादा वोटर्स जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 2 लाख तादाद जो है वो मर्दों की है जबकि 1 लाख से ज्यादा जो है वो खवातीन भी शामिल है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कौमी असम्बली का हल्का है NA 104 जिसमें ये कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। अब देखना यह है कि ये सारा जो भी मुकाबला हो रहा है इसका फ़ायदा किसको जाता है और कौन सी जो पार्टी है, कौन सी इन ज़मीनी इंतखाबात में जो है वो मैदान मार लेगी। अच्छा, इस हवाले से भी यहाँ पर खबर लगी हुई है। और दूसरी जो एक और ख़बर है, कल हमने देखा आयशा गुलाली के हवाले से खबर थी कि उनकी जो रुकनीत की मुअत्तली की खबर जो थी वो मुस्तरद हो गई है, जिसके बाद आयशा गुलाली को अगर देखा जाए और उनकी बॉडी लैंग्वेज को गौर किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी, जबकि PTI की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से यही कहा गया कि जब वो हमारे पार्टी मौकफ की तायद ही नहीं करती, जब वो हमारे पार्टी के प्लान्स में शामिल नहीं हैं तो फिर वो किस तरीके से हमारी जो है वो MNA रह सकती हैं। तो इस हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे। और एक और यहाँ पर जो खबर लगी हुई है वो है कि पाक फ़ौज में क़याम अमन के लिए मौसर किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल, पाक फ़ौज पूरी दुनिया में क़याम अमन के लिए मौसर किरदार अदा कर रही है, ऐसा कहना है ISPR का। और अगर मैं शॉर्ट न्यूज़ और एक ख़ास न्यूज़ शामिल करूँ तो राना सनाउल्लाह के हवाले से ये है कि राना सनाउल्लाह के लिए लाहौर हाईकोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच अब तश्कील दे दिया गया है। तो मजीद नून लीग के गिर जो है वो घेरा तंग होता जा रहा है और साथ साथ मेरे पास बिजनेस रिकॉर्डर भी है जिसमें भी लीड यही है कि टेलरसन जो है वो आए हैं और किस तरीके से उन्होंने अपना मौकफ रखा है। जी जनाब, एक्सप्रेस रोजनामा से भी कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं और इमरान खान के हवाले से, जैसे कि शो के स्टार्ट में मैं आपको बता रही थी कि कुछ कानूनी जंगों का उनके सामना है तो कुछ फैसले उनके हक में भी आते नजर आ रहे हैं। जो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, उनके वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया गया है। तो कल इमरान साहब खुद ही पेश हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, लेकिन पूरी तैयारी की गई है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो भी इनके तहफ़ात हैं वो खुलकर सामने पेश करेंगे, बजाय ये कि अपनी गिरफ्तारी से डर कर कोई फैसले किए जाते। अच्छा जनाब, इसके अलावा जब कल इमरान खान खिताब कर रहे थे तो उन्होंने जरदारी साहब को एक बार फिर से बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और जैसे कि वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ की विकेट तो गिर चुकी है और अब जरदारी साहब की बारी है, तो उसके लिए भी उनका यहाँ पे बयान लिखा गया है कि खास इन स्विंग सीख ली है, सरदारी की विकेट अब उड़ने वाली है। इस बार हम देख रहे हैं कि इमरान खान चेयरमैन नैब को लेकर बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और चेयरमैन नैब के हवाले से उनका कहना है कि जिस तरह के वो केसेस अब खोल रहे हैं, मेट्रो केस उन्होंने खासतौर पर खोला है, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। साथ ही साथ जनाब, ये जो फैसला किया गया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि इमरान खान काफी जहनी अजियत में मुबतला रहे, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस केस को चैलेंज किया और अब उनकी गिरफ्तारी के जो वारंट है उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये खबरें तो यहाँ पर मैंशन है।
इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं नवाज शरीफ के हवाले से, तो नवाज शरीफ जो कि उमरे पर गए थे और उसके बाद अब ये अफवाहें हैं कि कल नवाज शरीफ या तो लंदन वापस चले जाएंगे या पाकिस्तान आएंगे। इसका हतमी फैसला अभी तक नहीं हो सका क्योंकि कलसूम नवाज जो है वो इस वक्त बीमार है, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है। लेकिन हसन नवाज का ऐसा कहना है कि वो यहाँ से निकले ही इसीलिए थे कि वो पाकिस्तान आ सकें, लेकिन अगर उनकी मदर की तबीयत ख़राब हो गई है तो उसके लिए जो है वो हो सकता है कि वो लंदन भी वापस रवाना हो जाए। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो आज एक्सप्रेस रोज़नामा में शामिल की गई हैं। चलें जी, ये तमाम खबरें जो हैं शामिल की गई हैं और हमने आपको बताया कि क्या क्या आज खबरें हैं। और अभी जो है वो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मुख्तलिफ शहरों का हाल भी जानेंगे, तज़ी और तबसरे भी शामिल करेंगे। कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज, गुड मॉर्निंग आज वाला है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स जो हैं वो हम लेते हैं हमारे नुमाइंदे काशान अवान से। काशान अवान, बताइए कैसी गई ओवरऑल कैंपेनिंग, कितने पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी तफसीलन आगाह कीजिए। काशान, आपको आवाज आ रही है जी? काशान, मेरा ख्याल है कि काशान हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद नहीं है। उससे पहले हम लाहौर का रुख कर लेते हैं, फिर जानेंगे कि हल्का N104 में क्या कुछ हो रहा है। लाहौर में हमारी नुमाइंदा हुमा बट लाइन पर मौजूद हैं, ठंडे ठंडे मजेदार मौसम को एंजॉय कर रही हैं इस वक्त। हुमा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप और क्या खबरें हैं आज आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो यकीनन मिजाज भी चेंज हो रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं सुबह के वक्त और धूप होती है तो भी मज़ा आता है उसमें फिरने का। अब तो मैंने तो अपने घर में पंखे जो है वहीं पर रखे हुए, पंखे बंद कर दिए जाए क्योंकि मुझे सर्दी लगती है सुबह के वक्त। और इसी तरह का मौसम है और इन्जॉय कर रहे हैं इस मौसम को। और अगर तो बारिश हो गई तो इसका मतलब है कि ठंडक जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सर्दी के साथ साथ अगर मौसम के बाद अगर हम लोग जिक्र एक्टिविटीज का, तो दिन का आगाज जो है वो पंजाब असेंबली के सेशन से ही हो रहा है। पंजाब असेंबली के सेशन में कल भी हम लोगों ने देखा राणा सनाउल्ला जो है वो मीडिया टॉक करते हुए नजर आए और खूब बातें हम लोगों ने सुनी, जुमलेबाजी सुनी। आज भी वही सिलसिला जारी रहेगा। और उसके बाद अगर हम मैं जिक्र करूँ तो आज का दिन जो है वो ज़्यादातर जो है वो तालीम की नज़र किया जा रहा है, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है वो तालीम से रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल इंक्लूसिव एजुकेशन समिट एक हो रहा है, एक कॉन्फ्रेंस है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो कर रही है और वहाँ पर तमाम जो एशिया से रिलेटेड जितने भी अहम तालीमी माहरीन हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, अपने जितने भी असलाहत हैं अपने मुल्क में वो बताएंगे और साथ में पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी असलाहत हैं उसके बारे में बात होगी। इसके बाद जिक्र किया जाएगा यकीनन किताब मेला एक हो रहा है जहाँ पर राणा मशहूद पहुँचेंगे, तो वो लोग जिनको अदब से बहुत ज़्यादा शौक़ है वो वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर उन्हें एक ही छत के नीचे हजारों किताबें मिलेंगी और वहाँ पर वो अपनी जितनी भी ख्वाहिश जो चीज भी है वो। ठीक है जनाब, लाहौर में तो बड़े जबरदस्त इवेंट हो रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव समिट होने जा रहा है, किताब मेला हो रहा है, राणा मशहूद वहाँ पर पहुंचेंगे, तो आज जो अदबी दुनिया से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बड़ा अहम दिन है लाहौर में। काशान अवान की तरफ रुख करेंगे जो पेशावर में मौजूद है। काशान अवान, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिए, कैंपेनिंग के हवाले से बताइए, सिक्योरिटी के मामला के हवाले से बताइए। बिल्कुल, हल्का NA4 ये वो इलेक्शन है जिस पर तमाम की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पूरा का पूरा जोर लगा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन जीता जाए। तमाम के तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो कल तक जो अपने इलाकों में घूम रहे थे, कल से फिर उन पर पाबंदी लग गई, इंतखाबी मुहिम का टाइम ख़त्म हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन जो टाकरे का मुकाबला देखने में आ रहा है वो मुस्लिम लीग नवाज जो कि हिमायत याफ्ता हैं मुस्लिम मौलाना फजलुर रहमान और आफ्ताब खान शेरपाओ की जमात से, और इसके साथ साथ PTI की जो हुकमरान जमात है उनके अरबाब आमिर अयूब हैं। लेकिन जो अवामी नेशनल पार्टी है उनके खुशदिल खान जो हैं वो भी इस हलके में काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं और हमारी जो उस हलके में हम घूमे और जो हमारी लोगों से बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी को के कारकुनान का यह कहना था कि 2013 का जो इलेक्शन था उसमें हमें उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। अंडरस्टूड सी बात यह है कि इस वक्त जो आमिर अरबाब आमिर जो PTI के हुकमरान जमात के जो कैंडिडेट हैं उनको टफ टाइम दिया जाएगा अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से क्योंकि वो उनके वोट तकसीम होंगे। और उसके साथ साथ जो है मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपना सारा जोर लगा रही है और हम इस हल्के में जब घूम रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि सालों का काम जो है वो दिनों में अभी किया जा रहा है इस हल्के में। आवाम इस वजह से भी काफ़ी
काफी खुश है कि चले ज़िमनी इंतखाबी आया है, मुकाबला मुतवक्के है और काशानावाना बेड़ा ही बात है, दोनों की समातें भी जारी है, नून जुनून फिर आमने सामने, देखना ये कि अब कौन बाजी ले जाएगा। बिल्कुल जनाब, और ये हल्का जो पीटीआई के लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले पीटीआई जो है वो यहाँ से बड़ी भारी वोट्स की तादाद लेकर जीती है। वेल आगे बढ़ते हैं और अखबार में आज कौन कौन से मौजूद जेरे बहस हैं और इदारियों में आज क्या कुछ है ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। क्या है आज आपके पास? जी आज एक बड़ी प्यारी सा एक आर्टिकल है यासिर पीरजादा साहब का, ज़रा हट के, उसका उनवान है हॉलैंड के वज़ीर आज़म की साइकिल। ये साइकिल बड़ी मशहूर है और सोशल मीडिया पर भी इसका बड़ा चर्चा है। और वो साइकिल ये है, वाकया ये हुआ कि हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने उन्हें शाही महल जाना था बादशाह सलमान से मिलने के लिए, तो उन्होंने जिस सवारी का इस्तेमाल किया वो साइकिल थी, बगैर किसी प्रोटोकॉल के उन्होंने वो साइकिल पे बैठे और वो शाही महल पहुंचे। और ना सिर्फ शाही महल पहुंचे बल्कि उन्होंने अपनी साइकिल भी आम आदमी की तरह पार्क की, उसे लॉक किया। ये जहमत नहीं कि गार्ड से कहें कि भाई इसका ख्याल रखना कहीं इधर उधर ना हो जाए, उनकी इस सादगी को बड़ी यानी कि सोशल अप्रिशिएट किया गया है, सोशल मीडिया पे भी बहुत मशहूर हुआ और उस पर लोगों ने खासकर हमारे यहाँ उसको एक मिसाल के तौर पर पेश किया कि देखें ये होता है वज़ीर आज़म और ये होती है सादगी और ऐसे चलती है जमहूरियत। यासिर पीरजादा साहब ने कहा है कि खाली साइकिल को मत लो, इस एनालॉजी को मत लो, साइकिल की देखो कि साइकिल के सफर को हॉलैंड की जमहूरियत ने कितना बड़ा सफर किया है इस सवारी के लिए। Exactly, और exactly. उस वहाँ इकदार हैं, वहाँ शख्सी आज़ादी है, वहाँ मज़हब के नाम पर और मसलक के नाम पर वोट नहीं लिए जाते, वहाँ जीडीपी की शरह 40% टैक्स की शरह जीडीपी की 40% है, पाकिस्तान में 10% है। आपको सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी उस स्टेज के लिए पहुँचने के लिए, सिर्फ साइकिल के इस्तेमाल पर ही जो है आप इत्तेफाक ना करें, बात नहीं कर सकते उनकी कुर्बानियाँ उनका सेक्रीफाइस है, वरना आपको कैसा लगेगा कि जी मियाँ नवाज शरीफ हों या फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों या इमरान खान हों या जरदारी साहब हों, ये साइकिल पर जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसके लिए बड़ा सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, उसके लिए वाकई कॉम बनने की जरूरत है। अगला एडिटोरियल क्या है? बिल्कुल सही कह रही है। एक्स मिनिस्टर्स अरेस्ट डॉन का इदारती नोट है। हमने देखा था दो दिन पहले शर्जील मेमन साहब की जो कमरा एहतसाब अदालत से जो उनको अरेस्ट इनके अरेस्ट किया गया था, उन्होंने पूरे 5 घंटे नैब को जो है वो चक्कर चढ़ाए, नैब बाहर टीम बाहर इंतजार करती रही और फिर जिस तरह हमने देखा धक्कम पेल में उनके गिरबान भी खुल गया और फिर दिंगा मश्ती हुई। इदारती नोट ये कहता है कि लेजिस्लेटर्स या जो भी या गवर्नमेंट के जो अहदेदार हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, ये सबका बुनियादी हक है, अगर आप और वो करना चाहिए, ये ना हो कि आप जो हैं अगर आप पावर में हैं या आप किसी, क्योंकि हमने देखा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ा उस पर उन्होंने अपने एक बड़ा खतरनाक यानी कि तनकीदी नोट लिखा, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि एहतसाब का अमल जो है वो कानून एक ज़मीन है लेकिन दो कवानीन हैं, शरीफों के लिए अलग कानून है और शर्जील मेमन के लिए अलग कानून है। पीपल्स पार्टी ने ये बहुत लान तान की इस बात पर, लेकिन इदारती नोट ये कहते हैं कि एहतसाब सबका होना चाहिए, शर्जील मेमन को अपने आप को मासूम साबित करना चाहिए अपने आप, और ये सिर्फ उनका ही नहीं है, आप करप्शन का देख लें, शरील मेमन के अलावा 40-576 करोड़ की इनकी यानी कि 4.5 अरब का इनका है, डॉक्टर आसिम के 400 अरब से ज्यादा का है, 40 अरब हमने देखा था मुश्ताक रईसानी का है, अगर आप ये मिला लें तो ये तो अरबों खरबों बनते हैं। चले नफीस साहब, अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एहतसाबी अमल शुरू तो हुआ, एटलीस्ट अगर हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की, उनकी जानिब से उनकी पार्टी की जानिब से यही शिकवे आ रहे थे कि जी सिर्फ हमारे साथ एहतसाब किया जा रहा है, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, अब यही बातें हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से भी की जा रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के भी केसेस चल रहे हैं, तो एहतसाब यानी अब सबका किया जा रहा है, सबकी पकड़ धकड़ का दौर शुरू हुआ है। एनीवे कल हमने देखा एक बड़ी नई डेवलपमेंट हुई और कल हमने देखा एक्सलेशन पाकिस्तान आए, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, 4 घंटे की ये मुलाकात जिसको बड़ा अहम तस्वुर किया जा रहा था, आपको वाकई लगता है बहुत ज़्यादा अहम थी, बहुत कोई नई बात करके गए, कोई नई बात जो हम लोगों को पहले से पता नहीं था? अनम एक बहुत जो गैर मामूली बात हुई है वो ये हुई है कि एक्सलेशन के मौके पर अमरीका ने टाइम शेड्यूल दिया हुआ था कि रेक्स टिलरसन जो है वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इनसे मिलेंगे, इस वक्त इनसे मिलेंगे, इंडिविजुअल मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान ने उसका ये मौका इख्तियार किया कि हम सब ने एक साथ मिलना है मुश्तरक तौर पर, सिविलियन मिलिट्री सब एक प्लेटफॉर्म पे थे, उन्होंने तमाम मुश्तरक तौर पर मुलाकात की और एक यकजहती का मुजाहरा किया है और एक ऐसा बड़ा पैगाम दिया है जो आज तक हमने ऐसा इजहार यकजहती अमरीका के सामने हमने एक कौम नहीं किया था, और क्योंकि हमने पहले भी ये खबरें
बीच में भी आई कि अमेरिकी खुद नुमाइंदों ने भी खुद ये बात की कि पाकिस्तान में हमें पैरेलल गवर्नमेंट का सामना करना पड़ता है, हमें सिविलियन से अलग मुलाकात करनी पड़ती है, फौजियों से अलग मुलाकात करनी पड़ती है। लेकिन ये रिवायत कायम करके पाकिस्तान ने कह दिया है कि जो नो मोर का हमारा जो मौकफ है वो हम सब का एक है। बात हम एहतसाब की कर रहे थे लेकिन अब ब्रेक्सिटर्सन की बात चल निकली है तो इसी पे मजीद बात कर लेते हैं। अनम ने छेड़ी है। हाँ बिल्कुल, अच्छा बात ही ऐसी है, छोड़ नहीं सकते। चलिए एहतसाब के बारे में तो बात होती रहेगी, शर्जीली नाम मेमन के हवाले से, ब्रेक्सिटर्सन के हवाले से अगर बात की जाए तो आप कह रहे हैं एक वाजे और मौकफ हमने पैगाम दे दिया। आपको क्या लगता है कि ऐसे मौके पर ख्वाजा आसिफ भी बड़ा दबंग बोले हैं, वाशिंगटन अपना दिमाग चेंज करेगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही हमें पाकिस्तान से बाहमी ताल्लुकात नहीं रखने, हमें आगे भी पाकिस्तान के साथ मिलके चलना है, खत्ते की तरक्की के लिए मुआवन साबित होगा। देखिए अमेरिका का हमेशा से ही मौकफ रहा है कि अमेरिका कहते हैं ना स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ये है, इन्होंने पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की। आपने देखा था डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान था, उस पर जो हमारा रिएक्शन आया था अमेरिका को जो है वापस पिछले कदम पर चलना पड़ गया था। और फिर अमरीकी खुद लोगों ने अपने नुमाइंदों ने और वहाँ के लीडरान ने ये बयान दिया था कि उनका ये मकसद नहीं था और कूल डाउन और करने की कोशिश की थी, मेकअप करने की कोशिश की थी। यही पाकिस्तान का मौकफ अगर पहले दिन से ही होता तो इस नहज पर हालात नहीं पहुंचते। पाकिस्तान का अब जो मौकफ है मुझे उम्मीद है कि अमेरिका को समझ आ गई होगी। अभी तो देखेंगे उनका भारत में वो क्या बयान देते हैं जाके। लेकिन अब तो नेक्स्ट दौर है उनका भारत का, ये सबसे अहम है क्योंकि इसके बाद हमारे हालात भी पता चलेंगे, अफगानिस्तान के भी हालात पता चलेंगे और पता चलेगा कि ओवरऑल सिचुएशन। और यहां पर एक और चीज भी, जब ब्रेक्सिटर्सन आ रहे थे तो मैं यही सोच रही थी कि उनको लेने कौन जाएगा, तो पता चला जी वजारत दाखिला के एक अदना से ऑफिसर जो है उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। तो दिस इज वेरी गुड थिंग कि पाकिस्तान को जो अब समझ आ गई है और अमरीका ने जो है बिल्कुल समझा दिया कि हमें रिएक्ट कैसे करना है। चलिए बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, आप हमारे साथ थे। दारियों में क्या कुछ था ये तो हमने जाना, शहर भर में क्या हो रहा है ये भी जान चुके हैं, आगे बहुत सी स्टोरीज हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब अब कुछ बात करते हैं पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की। इमरान खान ने आने वाले आम इंतखाबात में सिंध में हुकूमत बनाने का दावा किया है। कराची में कारकुनान से खिताब करते हुए सरबरा पीटीआई का कहना था कि अब मुल्क में लूट मार करने वालों की छुट्टी हो जाएगी। हम इसलिए अजीम कौम नहीं बन सकते क्योंकि हमारा इंसाफ का निजाम बेहतर नहीं है। पीटीआई इख्तदार में आकर अदल का नया निजाम लाएगी। आसिफ जरदारी तैयार हो जाओ। इसके वालिद के पास 150 एकड़ जमीन थी, आज 1,00,000 एकड़ जमीन का मालिक है, 19 शुगर मिल। आसिफ जरदारी अब है तुम्हारी बारी। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त सिंध की पिच पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुलकर खेल रहे हैं, बाउंसर्स भी मार रहे हैं, छक्के चौके भी मार रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और हैदराबाद में होने वाले जलसे में पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया और साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी पर लफ्जी वार भी किए हैं और काफी सख्त जबान भी इस्तेमाल किए। इस पर बात करने के लिए हमारे से इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्शानियो साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इमरान खान इस वक्त सिंध में हैं और पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी का खासा तनकीद का जो इस वक्त निशाना है वो उन्होंने बनाया हुआ इन दोनों को ही, और अब तो उन्होंने सिंध में हुकूमत बनाने का भी दावा कर दिया है, तो क्या अगली हुकूमत आप देखते हैं कि सिंध में तहरीक इंसाफ की हो सकती है? देखिए मैं नजूमी तो हूँ नहीं कि 100% दुरुस्त बात बताऊँ, लेकिन मेरा ख्याल है उनको मायूसी होगी। उन्होंने 2-3 बार बड़े हमले किए आकर जैसे कोई फतेह करने आ रहे थे, हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी है। अभी जो आपने हैदराबाद का तस्करा किया है, हैदराबाद में दुनिया से पूछ लें, आप अपने सहाबी दोस्तों से पूछे, 7-8 हज़ार कुर्सियाँ थी, मकामी आदमी कोई भी नहीं था, मीडिया के लोग देख रहे थे ये हैदराबाद के तो लोग नहीं है, कहाँ से आए, पूरे पाकिस्तान से पूरे सूबे से अपने दोस्तों को बुलाया उन्होंने, आए तो बातें क्या की, गालियाँ दे के चले गए। जरदारी साहब के चेहरे पे बोल रहे हैं, जरदारी साहब की हमशीरा पे बोल रहे हैं, हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाएगा। आप अगर हमारे लीडरों के खानदान पे बात करोगे और खातून जिसको हम बहन समझते हैं पीपल्स पार्टी कानपुर सिंध के लोग एहतराम करते हैं, हम कभी अपने मुखालिफ के घर वालों की बात नहीं करते, खवातीन का तस्करा नहीं करते। ये अजीबोगरीब सियास कौमी रहनुमा है जो है कौमी रहनुमा मकामी से भी गिरी बातें करते। मैं समझता हूँ सिंध के देही इलाके हैं, शहरी इलाके, कराची में तो एक सीट उठा ली है उन्होंने किस्मत से, अब देखेंगे आगे क्या होता है। सिंध में इंशाल्लाह ताला उनका कोई कोई
मकाम नहीं बनता, कोई जगह नहीं बनती दिल के खुश करने के लिए। ठीक है, आए गालियां दे चले जाए, क्या बात करते हैं सिर्फ के किस इशू पे बात करते हैं। अभी वो टोपियां हमारी नहीं पहनी उन्होंने, अब कल परसों कल से धड़ाधड़ टोपियां पहन रहे हैं, एक एक दिन में तीन तीन बार पहन रहे। सिंध के लोग देख रहे हैं कि जब प्यार के साथ आपको सिंध की टोपी पहनाई गई, आपने नफरत से हटा दिया, अब सियासी दबाव लोगों के राय के बाद आपने टोपी पहननी शुरू किया। मामला टोपी का नहीं है, मामला एहतराम का है। आप एहतराम नहीं करते, आप भी नवाज शरीफ के रास्ते पर है, छोटे हमारे सूबे की इज्जत नहीं करते आप लोग। तो आने वाले दिनों में तो मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ को तो कम से कम सिद्ध भी नहीं देख रहा। ठीक है, आपकी इस बात से कहीं ना कहीं मुत्तफिक हैं हम लोग भी, आती निशाना नहीं बनाना चाहिए। सियासी खेल है तो आप इसको सुपरफिशियल रखें, किसी की जात के हवाले से पर्सनल लाइफ के हवाले से टारगेट ना करें। और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मेंशन कर चुके हैं कि वो पार्टी पॉलिसी पे बात करते हैं, जातियात पे नहीं। अच्छा शर्जील नाम मेमन की अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी भी शदीद नाराज दिखाई दे रही है। पहले डॉक्टर आसिम हुसैन थे और अब शर्जील नाम मेमन को गिरफ्तार कर लिया गया, पीपल्स पार्टी का एहतसाब हो रहा है। और नून लीग की जानिब से तो यही कहा जा रहा है जी बराबरी की बुनियाद पर सब कुछ होना चाहिए, आपको एतराज इस पे? हम एहतसाब की मुखालफत नहीं करते। अच्छा, एहतसाब के बगैर कोई समाज तरक्की नहीं कर सकेगा, आगे चल नहीं सकेगा। पर सवाल यह है वो एहतसाब हो इंतकाम ना हो, एहतसाब में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कुछ लोगों को एहतसाब अदालतों में जाए तो कालीनों पे चल के जाए, सलामियां लेते चले जाए। अच्छा। और एक साइड जो हमारे लोग वो जाए, उनके बटन तोड़ दिए जाए, कपड़े फाड़ दिए जाए, ये कैसा एहतसाब है? आप रवैया तो ठीक, हम रवैये की बात कर रहे हैं, हम कानून के बराबरी की बात करते हैं। एक ही आइन है सिंध में, किसी उसका फैसले और है आइन के तहत, पंजाब में कुछ और है राय, सूबाई हुकूमत के साथ वहाँ आपके रवैये और हैं, यहाँ रवैये और हैं, इदारों के वहाँ रवैये और हैं, यहाँ रवैये और हैं। हम ये बात करते हैं, शर्जील मेमन पे इल्जाम है, अभी साबित तो नहीं हुए, अभी तो केस चल रहा है, अदालत में जाएंगे, जो कुछ भी करना, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आपका रवैया तो ठीक होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ जो लोग पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, इदारों में अहम जगहों पे बैठे हुए, मैं उनसे कह रहा हूँ खुदा के वास्ता अपना रवैया पाकिस्तानी और वफाकी दिखाए। मियाँ साहब ने तो पूरे जितना जब भी आए कभी वफाकी वजीर अजम का चेहरा नहीं दिखाया, हमेशा वो इलाकाई सियासत करते रहे, ठोस धांधली से एक इलाके में जीतेंगे और कहेंगे अब मैं पाकिस्तान का हुक्मरान हूँ। इस पर कोई कभी न कभी कोई मामला होगा, ये इस्लाहात भी होगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जो पाकिस्तान के मामलात के जिम्मेदार हैं, जो इदारे हैं, खुदा के वास्ते रवैया ठीक करें और वफाकी रवैया अपनाएं, एहतसाब करें लेकिन सबके साथ एक जैसा करें ना। मरियम बीबी के साथ और है, उनके शोहर के साथ और है, औरों के साथ और है, इसहाक डार साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बेटों के साथ और है, फ्री पीस भी आते हैं, बड़े कई शक्ल भी इनको नहीं पड़ती। हम एहतसाब अदालतों में जाते, हमारे बटन तोड़ देते, हमारे कपड़े फाड़ देते, हम इस रवैये पे एहतजाज कर रहे हैं। एक्सीक्यूशन में इतना टाइम लगा, कानून और इंसाफ के मुताबिक तो कौन मुखालफत करेगा। ठीक है जी, मौला बख्शांडी साहब ये भी बताएगा, अब आपने नवाज शरीफ छेड़ ही दिया है तो ये भी बता देंगे कल शरीफ खानदान के एहतसाब अदालत में पेशी भी है, लेकिन मियाँ साहब तो इस वक्त मुल्क से बाहर है, तो आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ अदालत का सामना करेंगे? मुझे इनके दौरे जो होते हैं इनको उनके मुझे इल्म नहीं है, न मैं उन पर तबसरा कर सकता हूँ। वो जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अदालतों का क्या है? वजीर अजम की हैसियत में सामने अदालतों में लानतें भेज रहे थे, जजों को गालियां दे रहे थे, उनके वुज़रा वफाकी वुज़रा और दूसरी भर्ती किए हुए थे उन्होंने फौज, सिर्फ अदलिया को गाली देने के लिए, अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करने के लिए, अभी इशारों के नायों में वही बातें कर रहे हैं। ऐसी दबंग ताकतवर शख्सियत को और ऐसी पार्टी को जिसको कोई सूबों का ख्याल नहीं, वफाक का ख्याल नहीं, सिर्फ अपनी जात का ख्याल है, और जो आज भी इस किस्म की बिद्दतें उन्होंने दाखिल की हुई है सियासत में, जो किसी भी सूरत में वफाक की रूह के हामी नहीं है। इनकी पूरी सियासत, इनका तरीक़ेकार, इनका अंदाज गुफ्तगू सबका सब तकब्बुर से भरा हुआ वफाक मुखालफ रवैया है। ठीक है, पीपल्स रहनुमा मौला बख्शांडियो जो है हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और पीटीआई के रवैये पे इमरान खान साहब की स्पीच के ऊपर शदीद तनकीद का उनको निशाना बना रहे थे कि वो उनके लीडर के चेहरे के ऊपर बात करते हैं, उनके लीडर और उनकी एक फैमिली और उनकी खवातीन के हवाले से बात करते हैं। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब जो है वो जब जारहाना स्पीच देते हैं या बात करते हैं तो शायद वाकई में वो कुछ ज़्यादा जो है वो आगे निकल जाते हैं, और इस बात का जो एतराफ़ है उनकी अपनी पार्टी के लोग भी करते हैं कि खान साहब जो है वो बड़ा दबंग बोलते हैं। लेकिन हिस्ट्री यही है, जिस तरीके से मौला बख्शांडियो
बात कर रहे थे कि अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए नून लीग के हवाले से, तो बिल्कुल ये हिस्ट्री है कि जो कौमें, जो लीडर, जो सियासतदान अपनी फौज का, अपने इदारों का एहतराम नहीं करते वो तबाह हो जाते हैं। और हम एक और हिस्ट्री आपको बताने लगे। बिल्कुल जनाब, हिस्ट्री की बात हो रही है और हिस्ट्री उन्होंने पीटीआई की तो बता ही दी है, लेकिन आज के दिन की हिस्ट्री मैं आपको बता देती हूँ। आज के दिन यानी 25 अक्टूबर 1960 में पहली इलेक्ट्रॉनिक हाथ की घड़ी बेची गई थी। एक्यूट्रॉन 214 पहली इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच थी जिसे मैक्स हेडजल नामी शख्स ने बनाया था और बुलोवा वॉच मेकिंग कंपनी ने इसे फरोख्त किया था। हेडजल ने घड़ी के कांटे के नीचे एक छोटी वॉच बैटरी ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर सर्किट लगाई थी जिसकी वजह से घड़ी में टिक टिक साउंड के बजाय वाइब्रेशन की आवाज थी। इसी वजह से इसे पहली इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच कहा जाता है। इस घड़ी को बेचने के लिए बुलोवा कंपनी ने एक स्लोगन तैयार किया था जिसमे इस घड़ी को स्पेस एज की सबसे जदीद ईजाद करार दिया गया था। इस डिजिटल वॉच में वक्त के अलावा तारीख, दिन और साल भी आराम से देखे जा सकते थे और याद दहानी के लिए अलार्म की सहूलियत भी मौजूद थी। इलेक्ट्रिक वॉचेस आज भी मैकेनिकल घड़ियों के मुकाबले में आवाम में ज्यादा मकबूल हैं। चले जनाब, घड़ी की बात हो रही है तो अब घड़ी को भी रिप्लेस कर चुके हैं हमारे मोबाइल पर, लेकिन जो बात घड़ी की ग्रेस की है मेरा ख्याल है और किसी चीज में नहीं होती। एनीवे, यहां पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब अब हम बात करेंगे ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन के मुतालबात पर जो भी तहफ़ुज़ात का इजहार किया है, जो भी बातें की हैं, दो टोक और वाज़े पैगाम दिया है सियासी और अस्करी क़यादत ने अमरीकी वफ्द को, ये जो भी बातें की हैं सारी सूरत हाल पर हम डूमोर के किसी मुतालबे पर अमल नहीं करेंगे। अमरीकी सिफारत खाने से जारी अलामिया के मुताबिक टिलरसन ने वजीर आजम पाकिस्तान समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकात में इस बात पर जोर दिया है। बिल्कुल जनाब, जोर इस बात पर दिया है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज करेगा। मजीद क्या कहना हुआ आपको सुनाते हैं। अमरीकी बेरुखी का रुख फिर तब्दील, अमरीकी हवाएं फिर पाकिस्तान की जानिब होली। पाकिस्तान का दो टोक मौकिफ, अब नहीं डूमोर। टिलरसन पाकिस्तान चले आए देखकर बदलता दौर। वजीर आजम हाउस में बैठक लगी। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन और सफीर डेविड हेल ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, आर्मी चीफ, DGISPR, DGISI, वजीर खारजा खाजा आसिफ, वजीर दाखिला एहसन इकबाल, वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात की। रेक्स टिलरसन मुलाकात में मान गए की पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में नतीजे हासिल किए हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़्म है, साथ ही इक्तिसादी ताल्लुकात के फरोग पर भी ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी वजीर खारजा ने यह भी कह दिया की पाक अमरीका ताल्लुकात मुश्तरक अहदाफ के हुसूल के लिए भी अहम है। पाक अमरीका तआवुन और शराकत दारी समेत इक्तिसादी तआवुन को मजीद वसअत देने पर भी जोर दिया। अमरीका ने यह भी एतराफ़ कर लिया कि अफगानिस्तान व खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। टिलरसन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और पाक फौज का कैनेडियन खानदान बाजियाबी पर शुक्रिया भी अदा किया। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमरीका के लिए अहमियत का हामिल है। सफारती अलामिया के मुताबिक रेक्स टिलरसन ने मुलाकात में अमरीकी सदर के पैगाम को दोहराते हुए पाकिस्तान पर जोर दिया कि अपनी सरजमीन के अंदर दहशतगर्दों के खात्मे की कोशिशें तेज की जाएं। ऐलामिया के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा ने वजीर आजम पाकिस्तान को जनूबी एशिया में अमरीकी पॉलिसी से मुतालिक बताया और कहा कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफाद में है। रेक्स टिलरसन ने यह भी कहा कि जनूबी एशिया में दाइश और दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा दोनों मुल्कों के मफाद में है। अमरीकी वजीर खारजा चंद घंटों का दौरा पूरा करने के बाद चकलाला एयरबेस से रवाना हुए। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का फुकदान रातों रात तो खत्म नहीं होगा। इस वक्त जो भी तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं इससे हम सही सिद्ध में जा रहे हैं और इससे बेहतर सूरत हाल पैदा होगी, ये कहना है वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है साबिक सिफारतकार शाहिद अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं? थैंक यू सर। सबसे पहले तो कल का जो दौरा किया गया है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के गुज़िश्ता 16 सालों से जो ताल्लुकात है उसमें ट्रस्ट लेवल बहुत हद तक कम हो चुका है। पाकिस्तान की चाहे जितनी भी काविशें हों उनको उस तरह से सराहा नहीं गया, बल्कि उल्टा डूमोर का मुतालबा किया गया। कल भी हमने देखा जो आम मुलाकात हुई है उसमें सेम मुतालबे के साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन पाकिस्तान आए हैं। डेफिनेटली ट्रस्ट लेवल तो अभी रातों रात तो नहीं ठीक हो सकता, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस मुलाकात के बाद जो सर्द मुहरी थी वो थोड़ी कम हुई है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हालात में कुछ बेहतरी आई है।
और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान के लिए अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अहमियत रखते हैं और अमेरिका को भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान का इस इलाके में एक बड़ा अहम रोल है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में अमेरिका फंसा हुआ है, कितने हो गए, 16 साल हो गए हैं और उसके बावजूद कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो वहाँ की जंग हार चुके हैं। अब अमेरिका का सिर्फ अंडर ट्रंप एक ये टारगेट है कि अफगानिस्तान से कोई ग्रेसफुल एग्ज़िट होनी चाहिए और ये नहीं कि वहाँ पे निकलें तो तालिबान की हुकूमत बन जाए और उनके जो हामी हैं उनका कत्ले आम हो जाए, इस क्रम की सिचुएशन वो अवॉइड करना चाहते हैं, फतह तो का तो अब कोई सवाल नहीं है, तो उसमें पाकिस्तान का एक रोल उनकी नज़र में बनता है और यकीनन है भी। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में जो ताल्लुकात हैं उसमें एक किस्म का वो जिसको कहते हैं ना ट्विन्स वाली रिलेशनशिप है, हमारी बात का उन पर असर है, उनकी बात का हमारे पे असर है, तो यकीनन पाकिस्तान का एक रोल है। और ये तस्वीर ये भी किया जाता है कि तालिबान जो है उन अफगान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ उन पे पाकिस्तान का कुछ असर रसूख है, इसको मेरे ख्याल में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है लेकिन कुछ हद तक तो है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की कोशिश ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन अमान के लिए और एक सियासी तस्फीये के लिए अपना रोल अदा करे ताकि वहाँ के हालात में कुछ बेहतरी आ जाए। सही। अब ये ज़रूर है कि आपने जैसे सही कहा कि का ट्रस्ट डेफिसिट तो है और वो आसानी से नहीं जाने वाला, लेकिन पिछले दिनों कुछ अच्छी बातें हुई हैं। आपने देखा है कि पाकिस्तान ने एक अमेरिकन कपल को बड़ी आसानी से रिलीज़ कर लिया, सेफली कर लिया, जिसकी ट्रंप ने भी तारीफ की। हमें इस बात की खुशी है कि उनके ड्रोन हमले से खुरासानी मारा गया जो एक बहुत ही ख़तरनाक आदमी था और जिसने पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त दहशतगर्दी फैलाई हुई थी। तो हमारी एक शिकायत उनसे ये रही है अफगानिस्तान से भी कि जी आपके इलाके से दहशतगर्द हमारे ऊपर हमले करते हैं, उनका भी तो आप कुछ करें, सिर्फ हमारी तरफ उनका रुझान है कि आप पाकिस्तान। तो दोनों का देखा जाए एक मुश्तरका मफाद है, हमारे दहशतगर्द उधर छुपे हुए हैं, उनके दहशतगर्द बाज़ोकात हमारी तरफ आते हैं। अब आप देखिए कि हम कहते हैं कि नहीं जी हमारी तरफ कुछ नहीं है, लेकिन ये कपल कहाँ पाया गया, पाकिस्तान के अंदर पाया गया। उस लड़की ने अब इंटरव्यू भी दिया कि पिछले एक साल से तो हम पाकिस्तान में थे। तो मसला जो ये है वहाँ के इस इलाके की नौयत का है, वो बहुत ही ज्यादा इनएक्सेसिबल एरिया है, ट्रेडिशनली अब से नहीं सदियों से इनएक्सेसिबल है, उसमें कहीं ना कहीं किसी को कोई पनाहगाह मिल जाती है। अब ये तो नहीं कह सकते आप हर इंच पे आपकी फौज बैठी हुई है, कैसे हो सकता है। लेकिन मेन पॉइंट जो है मैं कहता हूँ ट्रेंड है, ट्रेंड ये है कि पाकिस्तानी फौज ने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% दहशतगर्दों का खत्मा हो गया, लेकिन बहुत बड़ी हद तक हो गया है। और अब आप इसी की मिसाल दें मीरान शाह की, जिसमें वो लड़की कहती है हम यहाँ पे थे, हम यहाँ पे मैसूर थे। मीरान शाह में पिछले दोनों आपको मत क्रिकेट का मैच भी हुआ, बिल्कुल अमन अमान है, कितनी अच्छी इसमें पाकिस्तान की कामयाबी इसमें है। तो अमरीका को उन्होंने अपने तौर पर शुक्रिया अदा किया है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ उनको इतना एहसास नहीं है, हमने बहुत अजीम कुर्बानी इतना नहीं। देखे नहीं आप वो वाली बात है कि आपने बहुत बड़ा किसी के लिए काम किया, उसने आपको प्लेन थैंक यू कह दिया, भाई प्लेन थैंक यू से ज्यादा है, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, 70,000 लोग शहीद हो चुके हैं, मालूम नहीं बिलियंस का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हमारा मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो गया है। सही यही बात ख्वाजा आसिफ ने सर आज की इसी हवाले से मैं मजीद भी आपसे बात करना चाहूंगी कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम एक पुराम कौम है थे, हमारा मुआशरा बड़ा अम ये प्रॉक्सी वॉर्स की वजह से और ये अमेरिका के और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया, बड़ा सेक्रीफाइस किया है, ऐसे वक्त में इतना ज्यादा लाउड एंड क्लियर मैसेज देना, क्या वॉशिंगटन का मूड बदलेगा? ये देखिए मैं शुरू में अर्ज कर चुका हूँ कि उनके मफादात तो हैं कि पाकिस्तान का एक रोल है जिसको अदा करेगा तो अमेरिका का भी फायदा है, खासतौर पे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरे देखिए पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है, इसकी न्यूक्लियर पावर है, एक उसकी बहुत बड़ी फौजी ताकत है, एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, इस्लामी दुनिया में एक असर रसूख है, एक इसकी ज़बरदस्त जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वो उनको करना चाहे ना करें, पाकिस्तान को और फिर ताल्लुकात जो हैं वो मफादात की बुनियाद पे बनते हैं, उसमें जज्बात को हम ले आते हैं लेकिन असल चीज़ मफादात हैं। मैं समझता हूँ कि अमेरिका का इस वक्त मफाद ये है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ा ना जाए, बल्कि वो हम पे जोर दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा और उस सिलसिले में हम डू मोर का लफ्ज हमको बहुत नागवार गुजरता है। बिल्कुल स्पेसिफिक कंडीशन बताएंगे इस वक्त सारी सूरत हाल जो हमने देखी, कल रेक्स टिलरसन आए हैं और उसके बाद अब जेम्स मैटिस भी आ रहे हैं दिसंबर के अंदर, ये ताल्लुकात जो कि बहुत अरसे से खराब थे अब आहिस्ता आहिस्ता इस पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को कितना क्रेडिट देंगे आप इस सब में, 4 साल से हमारा कोई वजीर खारजा नहीं था, जैसे ही वो आए उन्होंने यहाँ मुलाकातें की, बड़े वाजे बहुत बोल्ड बयानात भी उनकी जानिब से गए हैं, वाशिंगटन को भी दिया है, अभी जो आए तभी उन्होंने अपने पाकिस्तानी मौके को बड़ा वाजे किया है, कितना क्रेडिट देंगे आप?
यकीन मैं समझता हूँ कि उनके वजीर खारजा होने के बाद से हालात में कुछ बेहतरी तो आई है, तो इसलिए उनको क्रेडिट देना चाहिए। अब ये जरूर है कि उनका पॉलिसी का बैकग्राउंड तो नहीं है, बिल्कुल, लेकिन देन यू आर, व्हेन यू आर द हेड ऑफ ए मिनिस्ट्री जिसमें इतने सारे प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, तो आपके पास इनपुट तो आते रहते हैं ना, तो फिर ये वजीर खारजा का फिर मुलाकातें हैं, क्योंकि ही बिकम द वॉइस ऑफ पाकिस्तान। असल सिलसिला यह है ना कि आप कितना फीट करें लेकिन आखिर में तो एक आदमी बोलेगा, अगर उसकी बात में असर है तो यकीन से आप। चार साल से जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे तो वो एक खेला था जो कुछ जिसकी आज तक समझ में नहीं आई बात की फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं रखा हुआ था, उससे हमें यकीन साहब कहते थे मैं खुद हूँ। यहाँ पर अगर पाक अमरीका ताल्लुकात की बात करें तो कश्मीर को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रेक्स टिलरसन आए हुए थे और कश्मीर में जो इंतहा पसंदी जा रही है, जो कश्मीर के जो मामलात हैं, आपको लगता है कि जब ख्वाजा आसिफ ने डायलॉग किया कि जी कश्मीर की बात भी करें और अमेरिका भारत के ऊपर इस बात को मुमकिन बनाए, जोर दे कि वो एटलीस्ट मसले कश्मीर में जो भी सख्तियां हैं उनको नर्म करें और अपनी पॉलिसी चेंज करें, आपको लगता है कि यहाँ से जाने के बाद अब जब वो भारत गए कश्मीर का मौकफ रखेंगे भारत के सामने? मेरे ख्याल में कल वजीर आजम ने ये बात कही थी कि कश्मीर के हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, वहाँ पे बड़ी वायलेशन हो रही हैं, और इस सिलसिले में जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, इस इलाके में अमन अमान नहीं होता, तो हमारा मैसेज तो उनको साफ आ गया है, ये तो नहीं कि पहली दफा आया है, लेकिन बहरहाल इस मौके से फायदा उठाते हुए कश्मीर के मसले का जिक्र करना लाजिम था और किया गया है। इंडिया में भी पिछले दिनों आपने देखा थोड़ी बहुत कोई अपने तौर पर नया पॉलिसी अख्तियार की है, कोई इंटरलोक्यूटर बनाया, कश्मीर के इशू के ऊपर अब जैसे पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाजे तौर पर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अक़वामे मुत्तहिदा में जनरल असेंबलीज के अंदर ये बात वाजी की गई है, कश्मीर के मौके को उठाया गया, तो इसके बाद ये जो अब भारत की तरफ से ये कोशिश की गई है छोटी सी कि हम मुज़ाकरात करेंगे, दो के पाकिस्तान ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया कि इस तरीके से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बड़ी गैर संजीदगी का आप मुजाहरा कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि भारत की जानिब से जो स्टेप उठाया गया है ये सिर्फ खाना पूरी करने के लिए उठाया गया था कि हम मुज़ाकरात क्योंकि वहाँ पर बात उठ चुकी है तो हमें अपनी तरफ से, क्योंकि आप ऐसे किसी सफ़ीर को जब लगा रहे हैं, ऐसे किसी शख्स को जो जो खुद ऑलरेडी एक्स है और वो किसी इदारे से मुंसलिक है और आप उसको मुज़ाकरात के लिए कह रहे हैं, तो आपको लगता है ये सिर्फ एक ड्रामा ही था, टोपी ड्रामा था? ये हो सकता है कि टिलरसन आ रहे थे और कश्मीर का मसला पाकिस्तान ने भी उठाया, फिर जाहिर है कश्मीर का मसला सारी मीडिया में आ रहा है, वहाँ पे बड़े मजालिम हो रहे हैं, पिछले 1.5 साल से कश्मीर में एक अजीम आवामी जद्दोजहद चल रही है, बल्कि बड़ा हमें खराज तहसीन अदा करना चाहिए कि बिल्कुल नहते लोगों ने, बच्चों ने, औरतों ने, बूढ़ों ने, सब ने मिल के सड़कों पर आ जाते हैं और हर किस्म की तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आखिर अमरीका में इस बात का एहसास तो है, चाहे वो जुबान से ना लाएँ लेकिन उनको हकायक का तो इल्म है, तो पाकिस्तान ने भी कहा कि अमन के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो उसको काउंटर करने के लिए मेरा अपना ख्याल यह है कि अमेरिका वहाँ पे जाके शायद कुछ ना कुछ तो कहेगा ना कि आप कश्मीर के सिलसिले में करें, तो वो जवाब में कहेंगे देखिए जनाब हमने तो एक इंटरलोक्यूटर रखा है। अच्छा पाक अमेरिका ताल्लुकात जब भी ठीक होने लगते हैं और पटरी पे आने लगते हैं, बर्फ़ पिघलने लगती है, तो हम देखते हैं कि भारत की जानिब से ये मुज़ाकरात सबोताश करने की कोशिश की जाती है और कोई ना कोई कंडीशन वो अमेरिका की कोर्ट में ऐसी डाल देते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं कि फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, इस दफ़ा ऐसा कुछ होने जा रहा है? नहीं, हिंदुस्तान की तो इस वक्त एक पाकिस्तान दुश्मनी पॉलिसी चल रही है, ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी ने आन के वो किया है, मैं नहीं समझता उसमें कोई तब्दीली आएगी, उसके लिए मेरी अपनी राय है कि उनकी कोई इंटरनल कंपल्शन है, वो पाकिस्तान दुश्मनी करते हैं तो उससे उनको वोट मिलते हैं, वो नहीं चेंज होने वाले, और मैंने तो अपने मजामिन में पिछले दिनों लिखा है इस बारे में उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जब तक मोदी के मौजूदा सिलसिला चलता रहेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आएगी, लेकिन देखिए ये तो इट इज ए काइंड ऑफ ए फिक्स पोजिशन ऑलमोस्ट पिछले 70 साल से कि हिंदुस्तान आपकी मुखालफत कर रहा है, वो उसमें कोई कमी नहीं आने वाली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दीगर ममालिक जो है वो इस सिलसिले में बिल्कुल हिंदुस्तान का मौके अख्तियार करें या पाकिस्तान का मौके को समझे ही ना, और फिर देखिए इतने आलमी मीडिया इतना अलर्ट है, सबको मालूम है कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना, आखिर उधर वो बड़े अपने तौर पे अलमबरदार बने हुए हैं, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी हो रही है कश्मीर के अंदर, तो आखिर वहाँ पर भी चाहे वो उसका वाजे तौर पे बयान ना करें लेकिन उन पे एहसास है कि देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग, और फिर उससे पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो उसका अफगानिस्तान पे भी असर पड़ता है। चलें अब ये तो ब्रेक्स रिलेशन से भारत गए तो डेफिनेटली इसके ऊपर अगर कोई टॉक होगी तो वो सामने तो जरूर आएगी कि क्या बात की गई है, भारत के पास अब एक्सक्यूज भी है कि हमने तो अपनी तरफ से पेशकश भी की थी। एनीवे कमिंग बैक टू द टॉपिक, और हम जो बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान आए हैं वजीर खारजा रेक्स टिलरसन,
सर, हर मर्तबा पाकिस्तान की तरफ से मौकिफ अपनाया जाता है और कहा जाता है कि हमने अपना जो स्टांस है वो बहुत वाजे कर दिया है, बता दिया है। हर बार बात को बताना से ज्यादा ये भी जरूरी होता है कि अगले को आपकी बात कितनी समझ आ रही है। जब आप हर बार एक ही मुतालबा लेकर आ रहे हैं तो आपके बात बताने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगला शख्स तो आपको यही बार बार कह रहा है कि जी आप डूमोर कीजिए, आपके पास ठिकाने हैं उन महफूज पनागाहों में, दहशत गर्दों को पना ना दीजिए। आप अपनी इस बात को तो अब तक वाजे नहीं कर सके। देखिए, ये तो मैं कह चुका हूँ कि कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ दहशतगर्द पनाहें लेते रहे हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि हमारी हुकूमत की जो और फौज की जो अमल है वो बिल्कुल ये साबित करता है कि हम उन दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी ठोस कार्रवाई करें, सिर्फ ज़बानी बात नहीं कर रहे। हमने इतने बड़े इलाके को एक लिहाज से उनसे पाक किया है और लिबरेट किया है, जो भी कह लें। तो अमरीका को इस बात का एहसास है, उन्होंने अपने मौजूदा विजिट में भी इसको कई बार शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन ये कि एक लिहाज से मसला ये भी बन गया है कि अफगान हुकूमत ख़ास तौर पे वो तालिबान की हर कामयाबी को बजाय इसके कि एतराफ़ करे कि हम बिल्कुल नाकाम हो गए, वो पाकिस्तान को स्केप गोट बनाया हुआ है कि हर चीज़ का पाकिस्तान पे इल्ज़ाम डाल दो। कल भी उसने अशरफ गनी ने, सदर अशरफ गनी ने हिंदुस्तान जाके इसी क़िस्म का बयान दिया है, बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला बयान दिया। अफगानिस्तान में भी बर्फ़ को पिघलाने की बड़ी कोशिश की गई है कि किसी तरीके से जो है अफगानिस्तान से भी थोड़ा नरम रवैया हो, हमारे ताल्लुकात अस्तवार हों। आर्मी चीफ गए थे तो उन्होंने काबुल का जो दौरा था, उन्होंने कहा था जी आप पाकिस्तान का दौरा करें, तो पहली दफ़ा उन्होंने कहा था जी ठीक है अशरफ गनी ने मैं दौरा भी करूँगा। सर, यहाँ पर बात हो रही है मामलात की खित्ते की सूरत हाल की बेहतरी के हवाले से, तो जब हम अमरीका की बात करते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाक फ़ौज ने जितनी कुर्बानी दी है और शुमाली इलाका जात में या जाके जिस तरीके से उन्होंने दहशतगर्दों का खात्मा किया है, वो रास्ते भी नहीं थे जहाँ पर कोई जा सकता था, लेकिन हमारी फ़ौज गई और ख़ात्मा किया। हमारी कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब ट्रंप के आने के बाद पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। अब आपको क्या लगता है कि अगर ये ताल्लुकात इसी हम आहंगी से आगे बढ़ते रहे तो पाक अमरीका ताल्लुकात दुनिया के नक्शे पर बेहतरीन ताल्लुकात साबित हो सकेंगे? देखिए, हमारी अमरीका के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, 70 साल के ताल्लुक आपको शायद अंदाजा होगा। कुल मिला के अब तक अमरीका ने पाकिस्तान को सिंस 1948 $75 बिलियन की एड दी है। हाँ। जिसमें बहुत बड़ी हद तक इकोनॉमिक एड भी शामिल है, मिलिट्री भी है। सही है कि पिछले 15 साल में वो आ रही है जिसको कोलिशन सपोर्ट कहते हैं, यानी हम हमारे मिलिट्री ऑपरेशन को रीइंबर्स करते हैं, उसको तो हम चाहे कहेंगे ये एड तो नहीं है, ये तो हमारा रीइंबर्समेंट है। लेकिन वो अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए अमेरिका एक सुपर पावर है और ये हमारे मफाद में नहीं है। एक तरफ तो हिंदुस्तान दुश्मनी पे उतरा हुआ है, फिर नेबर जो हैं लाइक अफगानिस्तान वो हमसे खुश नहीं है। इकोनॉमिकली हमारे मुल्क के हालात जो हैं इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम का भी एक क्रम का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब आदमी इतनी मुश्किल में घिरा हो, उस वक्त एक सुपर पावर से दुश्मनी हो जाए तो फिर हालात आपके बिगड़ जाएंगे। इसमें फिर आप इसमें मेरिट से मत जाइए कि हमारा कुछ अभी बहुत वक्त लगेगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मतलब बेबी स्टेप्स, मतलब मैं वी शुड बी केयरफुल अबाउट डूइंग दे दे यू नो के दैट्स द थिंग ना, वही तो मैंने कहा कि डायलॉग इज अ यू आर बेसिकली नॉट ए ग्रेट पावर, यू आर ए रिलेटिवली स्मॉल पावर। फिर हिंदुस्तान हमसे कई मुल्क का बड़ा है, बड़ा जबरदस्त प्रेशर है। तो फिर ये दहशतगर्दी का इतना बड़ा प्रेशर है, तो इस वक्त हम मुश्किलात का शिकार हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ हमारे कौमी मफाद में है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगड़े ना, बिगड़े ना, बिगड़े ना, और बेहतरी की तरफ ही। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप थे। और मेरे ख्याल है कल जो ओवरऑल ये मीटिंग हुई उसमें सबसे अच्छी चीज यही थी कि हमारी सिविल और अस्करी कयादतें एक साथ एक मेज पर खड़ी थी। ये एक ऐसा मैसेज है जो बोल्डली सब तक पहुंचा भी है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे और इस तमाम सर इशू के ऊपर बातचीत कर रहे थे। आगे भी कुछ स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जनाब कुछ बात करेंगे हम कराची की। कराची जिसको कहा जाता है कि ऐसा शहर है जहां पर जगह जगह पर कचरे के ढेर हैं, जगह जगह पर गंदगी दिखाई देती है, लेकिन ऐसे कराची के अंदर एक मसीहा बनकर बहरिया के जो सर हैं उन्होंने ये पेड़ उठाया और उसके बाद मलिक रियाज साहब ने ये कहा कि मैं अब कराची को साफ करने में अपना रोल प्ले करूँगा। इस हवाले से 3 अक्टूबर से ये प्लान स्टार्ट हुआ और अब तक कराची में क्लीन कराची नाम के इस प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत सी जगह साफ भी की गई हैं, बहुत सी जगह पर सफाई सुथराई का अमल भी आया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कमांडर जुल्फिकार अहमद मेमन साहब, जो कि बहरिया टाउन के जनरल मैनेजर भी हैं। उन्हें तमगा इम्तियाज मिलिट्री भी मिला है, तमगा बसात भी मिला है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर, ये बड़ा जबरदस्त आप लोग प्लान लेकर आए हैं क्लीन कराची का। इनिशिएट तो आप लोग कर चुके हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कराची में कौन कौन से ज़िला की जिम्मेदारी आप लोगों के सपोर्ट थी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मधु किया। बेसिकली आजकल देखें यही मीडिया है जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम तक पहुँचती भी हैं और अवेयरनेस के हवाले से भी। जैसे आपने सवाल किया कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम इनिशियली इसी साल मार्च में डीसी थे सेंट्रल के कैप्टन फरीद, उन्होंने चेयरमैन बहरिया टाउन से रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप हमारे पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा जमा हुआ हुआ है कचरे का, 15-20 साल पुराना है, मेहरबानी करके आप अपनी हेवी मशीनरी भेज के उसको थोड़ा सा हमें क्लियर करवा के दे दें। उस पर हम चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक ब्यास साहब ने जो है वो ऑर्डर्स निकाले कि भाई आप जाएँ जाके वहाँ पर काम करें। तो हम मार्च में ऑलरेडी इस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आए और वहाँ से हमने तकरीबन 1,20,000 टन जो है वो बैकलॉग कचरा जो 15-20 सालों से पड़ा हुआ था, मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा हुआ था, वो उठा के और हमने उसको बैक फिल एरिया में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इस अमल को देखते हुए एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो मलिक रियाज साहब को कहा अच्छा। कि जी आप अगर ये कर सकते हैं तो आप मेयर के साथ मिलके मेहरबानी करके इस पूरे कराची को अगर एक मरतबा साफ सुथरा कराची बना के दिखा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा। इस सिलसिले में जो है वो एक MOU साइन हुआ अच्छा। जैसे कि अभी आपने कहा और आप लोगों ने भी इस न्यूज़ को ब्रेक किया होगा, 3 अक्टूबर को जो है वो बड़ी खुशी की खबर थी हम लोगों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाम के लिए तो ये बहुत ही खुशी की एक लहर भी थी। और उस टाइम पे उस MOU में हमें जो मेन टास्क जो दिया गया था दैट वाज अगेन फॉर द बैकलॉग, कि जो पुराना कचरा जहाँ जहाँ पे सालों से पड़ा हुआ है जो उनको नहीं क्लियर कर पा रहे, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और बल्दियाती निज़ाम जो है उसके तहत हम मेयर के साथ, मेयर की टीम के साथ मिलकर उसको हम क्लियर करें। तो हमने उसको क्लियर करना शुरू किया। उसके लिए मेयर कराची ने जो है वो अपनी एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम में उन्होंने पहला डिस्ट्रिक्ट अगेन जो चूज़ किया दैट वाज सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, 6 अजला में से पहला ज़िला जो था वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर था। वो उन्होंने कहा जी ये बहुत बड़ा ज़िला है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है और बहुत सारा कचरा इसमें और अभी भी रहता है, तो मेहरबानी करके आप इधर आ जाए। तो हम अपनी फुल मशीनरी के साथ, मैन पावर के साथ 3 अक्टूबर से इसका प्रॉपर इफ्तिताह हुआ और जो इफ्तिताह किया वो एडमिरल अहमद हया साहब जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं बहरिया टाउन कराची के, उन्होंने और मेयर कराची ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इन 22-23 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा टन कचरा हम निकाल चुके हैं। ओह गॉड, दिस इज़ ग्रेट एक्ट, दिस इज़ ग्रेट एक्ट। अच्छा सर, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है जो मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगी। यूजुअली ये होता है कि कराची शहर की हालत ज़ाहिर किसी से ढकी छुपी नहीं है, कचरा कचरा कराची हो रहा है, लेकिन जैसे ही मलिक रियाज साहब ने कराची का रुख किया तो इसकी शक्ल कुछ निकलने लगी, तो कुछ लोगों ने कहा जी ये वहीं से कचरा उठा रहे हैं, अब वहीं कराची क्लीन हो रहा है जहाँ पर इनके अपने प्रोजेक्ट्स बनने, क्या ऐसा है या फिर आपने ओवरऑल कराची की सूरत हाल के ऊपर अब सोचा हुआ है कि नहीं फाइनली वन बाय वन करके सब जगहों से हमने क्लीन कराची कर? पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें जो पहला जिला है दैट इज डिस्ट्रिक्ट सेंटर। सही, अब डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आप कहीं दिखा दें हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। Exactly, यही मैं पूछना चाह रही थी, कोई भी मलिक रियाज साहब का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो वहाँ पे चल रहा है। दूसरी बात यह है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो फलाही काम करते रहते हैं, एवरीबडी नोज़। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मरतबा जो उनको जो रिक्वेस्ट की गई पूरे कराची के लिए, तो ऑलरेडी ये प्लान जो है वो मेयर कराची का है, मेयर कराची के साथ मिलकर बहरिया टाउन ये काम कर रहा है। सही सही। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ कचरे के हद तक भी नहीं रहे हम। आप देखें कि हमने अगर मार्च में ये किया तो एक अप्रैल में यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई थी बल्दिया में बिल्कुल, वहाँ पे भी हमें बुलाया गया, तो वहाँ पे भी हम अपनी मशीनें लेके पहुँचे और उस बड़े बड़े पत्थरों को क्लियर किया और वहाँ से घरों को क्लियर करके दिया। सिमिलरली लियाकताबाद में आप देखें कि एक 3 मंजिला बिल्डिंग जो है क्लैप्स हुई थी, बिल्कुल वो मलिक अली रियाज साहब को, वो इंग्लैंड में थे मेरे ख्याल में उन दोनों में, और रात को तकरीबन 2:45 बजे मुझे कॉल आई उनकी कि जुल्फिकार फलां जगह पे ये हो गया है, आई वाज स्लीपिंग, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी जल्दी जल्दी आप पहुंचे वहाँ पे, तो हम अपनी पूरी टीम लेके बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, फलाही काम उनकी जानिब से किए जा रहे हैं और ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि जो उन्होंने इस चीज का बेड़ा अपने सर उठाया है और मतलब गैंग अप किया है पूरी टीम को और बना के अब ये काम शुरुआत की है। लेकिन कराची की अगर बात करें और इतने सालों के जो कचरे की हम बात कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है ये काम एकदम से करना और पूरे कराची को क्लीन करना, सबसे बड़े चैलेंज आपने इस दौराने में क्या फेस किया? आप देखें तो वो जगहें स्पेशली देखें पुराना कचरा पड़े रहना,
उसको उठाना बहुत आसान था। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं और छोटे छोटे बच्चे आपको आके मिलें और कहें अंकल अंकल मेहरबानी करके, ये हमारा ये ग्राउंड होता था और किसी जमाने में हम यहाँ पे खेलते थे, क्लियर करके देता कि हम दोबारा से अपने वो खेलना कूदना शुरू करते, तो वो चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट हुई। सिमिलरली एक दो जगह पे ऐसे भी फीलिंग्स आई कि ख़वातीन आई, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे पार्क था और इस पार्क को इन्होंने कच्चा कुंडी बना दिया है। हम शाम के टाइम पे चंद ख़वातीन आके यहाँ पे बैठती थी। ठीक, अच्छा सर, ओवरऑल डेफिनेटली चैलेंजेस के हवाले से तो आपने बताया, ये बताएं जब आप ये सारा काम कर रहे हैं और अभी भी पाइपलाइन में हैं प्रोजेक्ट्स, रद्दअमल क्या है आवाम का, आवाम कैसे देख रही है इस क्लीन कराची स्कीम को और भेरिया टाउन के हवाले से? वेरी पॉजिटिव। अच्छा, वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी हैप्पी। अच्छा, मोस्ट ऑफ देम, और यू कैन नॉट इवन इमेजिन के जिस तरह से वो मलिक रियाज साहब को, उनकी फैमिली को दुआएं देते हैं। हमें हम काम कर रहे होते थे वहाँ पे, पिछले दिनों जो गर्मी यहाँ पे पड़ रही होती थी उसमें कभी किसी घर से जो ना वो शरबत आ जाता था, सही, कभी कोई पानी लेके आ जाता था, यानी एप्रिसिएशन के साथ साथ सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता था। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमारा भी दिल बढ़ता था। बिंगा पाकिस्तानी खुद ब खुद दुआ निकलती है उनकी, लेकिन बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, शहर को साफ कर रहे हैं। वो कहते थे कि जी अल्लाह ताला जो है वो मलिक रियाज साहब को, उनकी फैमिली को अल्लाह ताला जिंदगी दे, हिम्मत दे और ज्यादा दे, और आप लोगों को अल्लाह ताला हिम्मत दे, कुव्वत दे, जो आप इस गर्मी में खड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो ना वो हमें भी एक बूस्ट मिलता था। अच्छा, लास्ट आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं, ये कि क्या समझते हैं कब तक ये प्रोजेक्ट के थ्रू कराची को हम एक बार फिर से रोशनियों का शहर देख पाएंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला, जिस तरह से हम लगे हुए हैं और जिस तरह से मेयर कराची ने जो प्लान बनाया हुआ है, अगर इस प्लान के तहत हम चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला पहले तो ये कचरा साफ हो विद इन अ फ्यू मंथ्स। थैंक यू सो मच जुल्फिकार साहब, आप हमारे साथ थे और बहुत ही पॉजिटिव सी एक खबर के साथ ही हमारे साथ आए हैं, और डेफिनेटली ये जो काम और ये जो बेड़ा उठाया गया है इसको मंथक के अंजाम तक भी पहुंचाएंगे और कराची को वापस से वही शहर बनाएंगे, रोशनियों का शहर जिसकी लोग मिसालें दिया करते थे। जी हाँ, बिल्कुल, कराची को क्लीन रखिए, हमारा आपका सबका शहर है और 75% रेवेन्यू भी जनरेट करता है। गुड मॉर्निंग, आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।